खबर विदिशा जिले के सिरूंज से है, जहां भाजपा नेता और व्यवसायी प्रशांत पालीवाल के खिलाफ सिरूंज न्यायालय ने धोखाधड़ी और धारा 420 का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 2013 में एक प्लॉट बेचने के बाद रजिस्ट्री न कराने के कारण दिया गया है। प्रशांत पालीवाल युवा व्यवसायी और भाजपा के नेता होकर हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, इसलिए यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि सिरूंज की पालीवाल कॉलोनी, जो कि प्रशांत के पिता ने ही डेवलप की थी, जिसमें एक 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट एडवोकेट राजकुमार शर्मा ने प्रशांत पालीवाल से खरीदा था। वहीं इस मामले को लेकर फरियादी एडवोकेट राजकुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में प्लॉट 8 लाख रुपए में बिकना तय हुआ था और 7,50,000 रुपये प्रशांत को दिए थे, जिसकी रसीद भी ले ली गई थी। शेष 50,000 रुपये रजिस्ट्री कराते समय देने की बात हुई, लेकिन इस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो सकी क्योंकि इस प्लॉट का मालिकाना हक प्रशांत की एक रिश्तेदार विमला देवी के नाम पर है। वहीं जब यह मामला थाने, अदालत और हाई कोर्ट तक पहुंचा, तो इस मामले में 23 सितंबर को सिरोंज न्यायालय की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अंकिता जैन ने फैसला दिया कि प्रशांत पालीवाल के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं इस बारे में प्रशांत पालीवाल ने कहा कि यह मामला अदालत में गतिशील है, सच झूठ का फैसला वहीं होगा। सिरोंज से संवाददाता अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। ये जानकारी भाई साहब मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है, ठीक है, और इसका अभी न्यायालय में विचारहीन मामला है, तो इसमें मेरे द्वारा जो भी जवाब दूंगा मैं न्यायालय में बता दूंगा कौन सच्चा कौन झूठा है। ये जो है सिरोंज के कॉलोनाइजर है प्रशांत पालीवाल उत्तर प्रकाश पालीवाल जी, इन्होंने जो है हमें एक 40x40 का प्लाट दिया था और ये कहा था कि ये मेरे नाम है और समय आने पर मैं आपके नाम करा दूंगा। तो उनने मुझसे 7.5 लाख रुपए लेकर 50,000 रुपए जो है उन्हें शेष थे और उन्होंने एक मुझे स्लिप दे दी थी। इसके बाद उन्होंने मुझे प्लाट नाम नहीं कराया और मुझे वहाँ से पोजिशन से हटा रहे थे। इसकी शिकायत मैंने यहाँ सिरोंज थाने में की, पुलिस अधीक्षक से की, SDOP महोदय से की। इसके बाद जब कोई मुझे न्याय नहीं मिला तो इसको लेकर मैं माननीय उच्च न्यायालय 2015 में गया, 2016 में गया, 2017 में गया। तो 2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि आप जो है ट्रायल कोर्ट में सिरोंज में ही जाएं, वहां अपना परिवाद पेश करें और अपने साक्ष और गवाहों को प्रस्तुत करें। तो जो है मैंने 2018 में परिवाद पेश किया था माननीय न्यायालय ने, न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारी अंकिता जैन ने 23/9/2024 को प्रशांत पालीवाल को आरोपी मानते हुए RCT 512/2024 जो है प्रकरण दर्ज किया है और उस पर 420 का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय कुमार अहिरवार सिरोंज से जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, क्या है पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। सिरोंज के भाजपा नेता जो के कानून है उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है सिरोंज न्यायालय में, धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है जी। ये आदेश 2013 में एक प्लाट बेचने के बाद रजिस्ट्री न होने के कारण दिया गया है। अच्छा। एडवोकेट राजकुमार शर्मा द्वारा प्रशांत पालीवाल पर मामला दर्ज कराया गया है जी। जैसा कि हम इसमें लिखा बताया जा रहा है कि प्रशांत पालीवाल का कहना है कि मामला अदालत में विचाराधीन है, तो क्या उन्होंने इस मामले में कोई स्पष्टीकरण दिया है अक्षय जी? 40x40 फुट का यानी के 1600 स्क्वायर फुट हुआ, ये प्लाट एडवोकेट राजकुमार शर्मा को प्रशांत पालीवाल के द्वारा बेचा गया था जी, जिसमें जिसकी कीमत 8 लाख रुपए में तय हुई थी और 7,50,000 रुपए प्रशांत पालीवाल को दे दिए गए थे और अच्छा, एडवोकेट राजकुमार शर्मा ने इस मामले में क्या कहा है? राजकुमार एडवोकेट द्वारा जी उनके द्वारा 7.5 लाख रुपए इनको दे दिए गए थे और 23 सितंबर को सिरोंज न्यायालय की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अंकिता जैन ने फैसला दिया कि प्रशांत पालीवाल ने छल पूर्वक 7.5 लाख रुपए ले लिए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए।